नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश राजस्थानी जायका में। हमारे इस खास शो में आज कुछ मीठा हो जाए, क्योंकि आज है सोहन का हलवा, शुद्ध घी से बने मलाई के लड्डू आपको रखेंगे स्वस्थ। इसके साथ ही मिलेगी ठंडी रबड़ी, जो आपको तपती गर्मी में रखेगी तरोताजा। शहंशाह अकबर के जमाने से शुद्ध घी से बनते आ रहे सोहन के हलवे के आज भी दीवाने हैं लोग। अजमेर की गलियों में इसकी खुशबू आज भी घुली हुई है। आपने लड्डू तो बहुत खाए होंगे, लेकिन सुजानगढ़ के मशहूर मांगीलाल के मलाई के लड्डू नहीं खाए होंगे। मांगीलाल के मलाई के लड्डू नाम की तरह जायकेदार भी हैं। वहीं राजस्थान के एक लौते हिल स्टेशन माउंट आबू और आबू रोड की रबड़ी आपको अंदर से तरोताजा कर देगी। यहाँ की लजीज रबड़ी के दीवाने इतने हैं कि सिर्फ रबड़ी का जायका चखने के लिए सैलानी एक लंबा सफर तय करके माउंट आबू आते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दीवाने ऐसे हैं तो रबड़ी कितनी स्वादिष्ट होगी। तो चलिए, राजस्थानी जायके के इस खास सेगमेंट में हम बिना देर किए शुरू करते हैं स्वाद का सफर। तो अजमेर की मशहूर सोहन का हलवा, शुद्ध घी से बनता है सोहन का हलवा, आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखता है। बादशाह अकबर भी इसके दीवाने थे। तो दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अजमेर और पुष्कर धार्मिक नगरी के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। अजमेर शहर में जो गरीब नवाज की दरगाह है, पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसको लेकर के यहाँ से देश विदेश के पर्यटक लोग और धार्मिक जो लोग हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं और उनका जमघट और तांता यहाँ लगा रहता है। पिछली बार इंडिया न्यूज़ राजस्थान ने अजमेर से पुष्कर का जो है मालपुआ दिखाया था, और इस बार अजमेर शहर के गरीब नवाज की नगरी से और दरगाह क्षेत्र से आपको आज हलवा सोन का हम टेस्ट दिखाएंगे कि अजमेर ऐतिहासिक नगरी हलवा सोन किस तरीके से विश्व में प्रसिद्ध और प्रख्यात है। अजमेर शहर के बुलंद दरवाज़ा शहर क्षेत्र में जो दरगाह बाज़ार में है, वहाँ पर हम पहुँचे एक विख्यात दुकान पर जो कि इस्लामिक दरबारी स्वीट्स के नाम से फेमस है। ये बरसों से, लगभग 80 वर्षों से ये सोन हलवे का काम कर रहे हैं और बहुत पुरानी ये दुकान है। यहाँ पर सैकड़ों जायरीन आते हैं और हलवा सोन यहाँ से लेकर जाते हैं, जिसको जो है तबर्रुक के तौर पर लेकर जाते हैं। हमारे साथ में कुछ यहाँ पर कस्टमर भी खड़े हैं, जिनसे हम खास बात कर लेते हैं कि इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आप यहाँ पर किस तरीके क्या लेने के लिए आए? हलवा सोन मिठाई। कहाँ से आए हैं? हम सूरत से आए हैं। सूरत से आए हैं। ये हलवा सोन ही क्यों लेकर जाते हैं? सर, यहाँ का फेमस है और हमारे बुजुर्ग के टाइम पर चलते हुआ आ रहा है ये चीज़, तो हम लोग ले आके तबर्रुक के साथ बांटते हैं इसको, हर कोई शौक से खाता भी है। तो क्या पैक करा के लेके जाते हैं यहाँ से, या इस तरीके से हम डब्बे में पैक करवाते हैं इसको, और फिर कुछ डब्बे के हिसाब से बांटते भी हैं, भाई अजमेर का तबर्रुक लाए हम। अच्छा, बस वो तरीका है बांटने का, और यहाँ से कुछ फेमस भी है यहाँ का अजमेर का खास। देखिए, ये सूरत से आए हैं और यहाँ से तबर्रुक ही लेके भी जाएंगे। दुकान के मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस तरीके से देखा जा रहा है कि आपकी दुकान की जो ये सोन हलवा फेमस है, कितनी वैरायटी के अंदर आप ये सोन हलवा बनाते हैं? ये कम से कम 7-8 वैरायटी के आते हैं। देसी घी का भी आता है, डालडा घी का भी आता है, और ये बेसन के भी आते हैं, सूजी मैदे का भी आता है, हर तरीके की वैरायटी के आते हैं यहाँ पर। और यहाँ जो बुजुर्ग होते हैं उनके हिसाब से ये बेसन वाला सही रहता है, इनके दांत नहीं होते तो वो आराम से चबा सकते हैं, खा सकते हैं। और बाकी ये जो सोन हलवा है, ये जो है गेहूँ के निशास्ते का बनता है, ये यहाँ का बहुत फेमस है सोन हलवा है अजमेर शरीफ का। और ये अकबर बादशाह के टाइम से चला आ रहा है, और इसको जो है बुजुर्गाने दिन से जो है चला रहा है ये। ज़्यादातर लोग बाग सोन हलवा यहाँ से ख़रीदते हैं और लेके जाते हैं, तो उनका मुख्य कारण क्या होता है कि तबर्रुक के तौर पे भी लेके जाते हैं ये? यहाँ समझ लो आप, बरसों से गरीब नवाज के ये तबर्रुक के तौर पे ही माना जाता है सोन हलवा, और ये बरसों से चला आ रहा है, और जायरीन जितने भी आते हैं बड़े शौक़ से इसको, बहुत मोहब्बत के तौर पर इसको लेके जाते हैं, और यकीदी के साथ लेके आते हैं, अपने घर पर भी आते हैं तो उनको तबर्रुक के तौर पर देते हैं कि गरीब नवाज का तबर्रुक है, उनको तकसीम करते हैं, और इससे जो शिफा मिलती है खाने। आपकी दुकान में देखा जा रहा है कि सोन हलवे के अलावा कुछ कराची हलवे का नाम भी अभी मैंने सुना है, कुछ और भी हलवे आपने यहाँ रख रखे हैं, ज़रा बताएंगे हमारे दर्शकों को किस किस तरीके के वो हलवे? अच्छा, ये देखिए, ये कराची हलवा कहलाया जाता है, ख़ासतौर से ये पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है, जैसे ये दुकानदार बता रहे हैं कि जिससे ख़ासतौर से पाकिस्तान में पाया जाता है, लेकिन इसको क्या ये अपने अजमेर में बनाया जाता है? अजमेर में ही बनता है अब तो।
इसका नाम कराची हलवा रखा गया है। अच्छा, इसका एक कलर, ये इसमें क्या कलर अलग है या दोनों का स्वाद अलग अलग है? दोनों की स्वाद एक ही है, दोनों का स्वाद एक ही है। देखिए दोनों का स्वाद भी ये बता रहे हैं कि एक भी है और इसकी वैरायटी भी अलग है। क्या भाव मिलता है कराची हलवा? ये 240 रुपये। 240 रुपये। और ये जो सोन हलवा जो आपने बताया, इनकी क्या अलग अलग रेट? देखिए ये 260 रुपये से लेकर के और 140 तक जो है रेंज के हैं। इसमें देसी घी का भी आता है, ये 600 रुपये किलो तक है। देखिए यहाँ जो है 200 रुपये से लेकर 600 से 800 रुपये तक का जो सोहन हलवा मिलता है। और ख़ास दुकान की बात, ख़ास बात यह है कि इन्होंने जो बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी अलग से वैरायटी बना रखी है, जिससे बुज़ुर्ग जिनके दांत नहीं होते हैं या बच्चे जो खा नहीं सकते हैं, वो भी आसानी से इस हलवे को खा सकते हैं और अपना पूरा यहाँ पे तबरुक का जो है पूरा मज़ा ले सकते हैं। और गरीब नवाज़ का और ये इन्होंने जैसे दुकानदार का कहना है कि जिस तरीके से बाबा अकबर बादशाह के ज़माने से ये तबरुक चला आ रहा है, और वही जो है इस तरीके से इन्होंने दुकान वालों ने जो इस तबरुक को की परम्परा को आज भी सजो कर रख रखा है। अजमेर शहर में लगभग 800,000 दुकानें ये हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर सोहन हलवा फेमस है और बहुत लोग यहाँ पर आके बल्क के रूप में इनको पैकेट बना के लेके जाते हैं। उनकी दुकान की तरफ से पार्सल भी किए जाते हैं और ऑनलाइन बुकिंग भी इनकी तरफ से होती है और वो भिजवाई जाती है तबर्रुक के तौर पर। सीरत अली के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। राजस्थानी जायका में हम इस बार सुजानगढ़ की टीम पहुंची है निकटवर्ती गांव छापर। छापर है प्रसिद्ध एशिया के प्रसिद्ध काले हिरणों के लिए, लेकिन यहां एक ऐसी चीज है मिठाई के रूप में जिसको बोलते हैं मलाई का लाडू। ये इतना शानदार स्वादिष्ट है, इसको लोग दूर दूर से मांगते हैं। और यहां की एक दुकान है, बंगाल तक जाते हैं, यहां की एक दुकान है वहां पे जो प्रसिद्ध दुकान है चोपड़ा बाजार में, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से ये आप लाडू तैयार करते हैं। ये घर के दूध के बनते हैं सब, गाय के भैंस के, और सुबह से शाम खत्म हो जाते हैं। तो ये मलाई का लड्डू क्यों बोला जाता है? इसमें दूध के ऊपर मलाई उतार के फिर बनाया जाता है। कितने साल से दुकान आपकी? ये दुकान हो गई करीब 50 साल। 50 साल पुरानी। तो ये लगभग आपकी दुकान में विशेष तौर पर मलाई के लड्डू ही मिलते हैं। ये थे हमारे बीच में, इसके बारे में कुछ और भी बताना चाहेंगे, बताएं। मलाई के लड्डू यहाँ तिलजी हलवाई थे नाई, उनकी दुकान थी लाला मिष्ठान नाम, रामा मिष्ठान भंडार है। पुराने शुरू नहीं किया था, कलकत्ता से मंगाते जाते थे मलाई लड्डू, सुबह ही खत्म हो जाते। उनके बाद में किसी ने प्रजापत, ये जिनके परिवार के सदस्य हैं अभी ये उनके बना रहे हैं, और उनकी दुकान में वही बनती है। अभी बस स्टैंड दुकान है उनकी। और मलाई के लड्डू की विशेषता यह है कि अपने बीकानेर संभव का राजस्थान कहीं मलाई का लड्डू नहीं मिलता है, सिवाय यहाँ के अलावा छापर के अलावा कोई नहीं बनाता है। बीकानेर सबसे बड़ी जगह है, लेकिन मलाई का लड्डू वहाँ नहीं मिलते। ये बता रहे हैं कि मलाई का लड्डू छापर में ही मिलता है, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और मैं एक और, हमारे बीच में छापर गांव के हैं, आप क्या कहना चाहेंगे मलाई के लड्डू? देखिए पहले तो आपके सभी दर्शकों का मैं आवेदन करना चाहता हूँ छापर ग्राम की तरफ से। ये जो मांगीलाल जी प्रजापत की दुकान है, ये मलाई के लड्डू और पेड़े के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये सुबह अपने घर के दूध से ये ताज़ा बनाते हैं और ये शाम को यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मिलते नहीं है, लोग आते रहते हैं। छापर नहीं, पूरे भारत से लोग आते हैं और ये मलाई के लड्डू खाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है। एक बार आप खाओगे तो निश्चित तौर से आपके कदम बार बार छापर ग्राम की तरफ आएंगे। छापर ग्राम में ये मांगीलाल जी प्रजापत की दुकान है, प्रजापति स्वीट्स, इस पे जरूर आएगी। आपने बताया कि लोग बाहर से लेते हैं, हालांकि यहाँ के लोग काफी बाहर रहते हैं और यहाँ प्रवासी इस लड्डू को पसंद करते हैं, आपका कहना मतलब ये? बिल्कुल, लड्डू और पेड़ा इनका दो जो क्वालिटी है एकदम मेंटेन रखते हैं। पिछले 20 सालों से मैं कंटिन्यू इसको ले रहा हूँ, इससे क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। क्वालिटी का सफाई का ध्यान रखा जाता है, लड्डू शुद्ध मिलते हैं। ये है छापर के मलाई के लड्डू। एक हमारे बीच में और है, कहाँ से आए आप? मैं देशनोक निवासी हूँ, मैं सुजानगढ़ में है, मेरी पोस्टिंग है। मैं जब भी मेरे गांव जाता हूँ बीकानेर, और जब भी इधर से गुजरता हूँ तो मेरे जितने भी दोस्त बंधु है बीकानेर में, और सब लोग ये कहते हैं कि जब भी बीकानेर आओ तो आपको छापर के मलाई के लड्डू लड़े। ये लड्डू मैं पिछले 20 सालों से इसी दुकान से खरीदता हूँ, ये एक स्टैंड पर दुकान और है। इस लड्डू के बारे में मेरा कहना है, प्योर है, दूध से बना हुआ। दूध को ये लोग क्या गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद इसकी जो मलाई आती है उस मलाई को उतार देते हैं, इसीलिए इसका मलाई का लड्डू बनता है। खाने में बेहद जायकेदार और टेस्टी और बहुत अच्छे ये लड्डू है, इसलिए मैं पिछले 20 वर्ष से इस दुकान से मैं लड्डू।
लोग दूर दूर से 20 वर्षों से भी इस दुकान से ले रहे हैं मलाई के लड्डू, और ये लड्डू इतने टेस्टी है कि बीकानेर एक हमारे यहाँ पे उन्होंने दावा किया है कि बीकानेर इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मलाई के लड्डू छापर के प्रसिद्ध है, यही बनते हैं और यही बनते हैं। ये कहना है इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा सुजानगढ़ से, जायका राजस्थान के। रबड़ी बनाते हैं, केसर डालते हैं, इलायची है, केसर रबड़ी, गरम रबड़ी, ठंडा रबड़ी, खूब लोग चौर से खाते हैं। पांचवी पीढ़ी में काम है, खानदानी काम है अपना। रबड़ी का राबू की हमारी फेमस रबड़ी है। देसी घी के जामुन है हमारे यहाँ, ब्रेकफास्ट है, जलेबी है, गरम मालपुआ है, रसमलाई है, ये सब हमारे फेमस है। रबड़ी के लिए किस प्रकार से तैयारी करनी है? रबड़ी के लिए कम से कम 100-150 लोग दूध मंगाना पड़ता है सुबह, उसके बाद उसको बॉल करो, फिर बॉल करके दोबारा बॉल कर कढ़ाई में डालना पड़ता है। 2 घंटे बॉल करने के बाद जब दूध तैयार होता है, और रबड़ी कम से कम 5 घंटे में तैयार होती है। रबड़ी करीबन 5 घंटे में तैयार होती है, सुबह से ही ये तैयारी करते हैं पंडित जी। और किस प्रकार से हम दिखा रहे हैं, जैसे लाइव बन रहा है, किस प्रकार से लाइव रबड़ी बन रहा है, किस प्रकार से ये लाइव रबड़ी है और बन रही है और पंडित जी बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं 8.5 बजे के बाद में यहाँ रेडी लग जाएगी और रबड़ी का लोग आनंद लुप्त उठाएंगे। और कहीं ना कहीं ये रबड़ी जो है पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से लोग आते हैं माउंट आबू के अंदर, और रबड़ी का अलग ही अंदाज मिलता है, और पर्यटक जिस प्रकार से जायका है माउंट आबू का, और पर्यटक यहाँ का आनंद उठाते हैं। कैमरा पर्सन करण के साथ अनिरंजन, इंडिया न्यूज, माउंट आबू। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश राजस्थानी जायका में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।